जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2023 में इंद्रा एकादशी का जो व्रत है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और महत्व जो है वो क्या रहने वाला है। आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंद्रा एकादशी हिंदुओं के शुभ व्रतों में से एक बताया गया है, जो हिंदी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर पड़ता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह व्रत सितंबर या अक्टूबर महीने में आता है। जैसा कि इंद्रा एकादशी व्रत पितृपक्ष में पड़ता है, तो पितरों के लिए समर्पित इस पखवाड़े पर एकादशी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों या मृत पूर्वजों को मोक्ष देना होता है, ताकि उन्हें नरक से गुजरना ना पड़े। हिंदू अतीत के गलत कामों की क्षमा मांगने के लिए इंद्रा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इंद्रा एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और उनके भक्तों के द्वारा ही किया जाता है। इंद्रा एकादशी का जो व्रत है वो कब किया जाएगा, तो साल 2023 में इंद्रा एकादशी का जो व्रत है वो 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इंद्रा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में अगर मैं एक नज़र डालूं, तो इंद्रा एकादशी व्रत सभी 24 एकादशियों में इंद्रा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह एकादशी पित्त पक्ष में आती है। चूँकि यह एकादशी श्राद्ध पक्ष में आती है, इसलिए इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज या पितर उनके कर्मों के कारण या उनके पापों के कारण यमराज का जो दंड है वो भुगत रहे हैं, तो उनके रिश्तेदार या उनके घर के कोई सदस्य एकादशी इंद्रा एकादशी का जो व्रत है वो कर लेते हैं, तो उन्हें क्षमा जो है वो मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रा एकादशी व्रत रखने से आपके पूर्वजों और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर मैं बात करूं कि एकादशी का जो शुभारंभ है वो कब हो रहा है, साथ ही साथ एकादशी जो है वो कब समाप्त हो रही है, पारण का जो समय है वो क्या रहेगा, तो आइए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को 3:08 पर हो रहा है। पारण का जो समय है वो 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक रहेगा। इस बीच आप कभी भी पारण जो है वो कर सकते हैं। मैं बात करूं इंद्रा एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में, तो सबसे पहले आपको इंद्रा एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद में सूर्य देवता को जल देना चाहिए। इसके बाद आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। फिर पूरे समर्पण भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, व्रत की कथा जो है वो सुननी चाहिए और इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इंद्रा एकादशी का व्रत जो है वो किया जाता है। ये रही इंद्रा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।